ये बात है एक छोटे से गांव सीतापुर की। सुशीला का पति मनोज बहुत दिनों बाद शहर से वापस घर आ रहा होता है। सुशीला मनोज के वापस घर आने का इंतजार कर रही होती है, तभी मनोज उसके पास आता है और फिर कहता है, अरे भाग्यवान, जल्दी से नाश्ता लाओ, ट्रेन में सफर करते करते कुछ बढ़िया खाने को ही नहीं मिलता था, अब मुझे बहुत ही जोरों की भूख लग गई है। इतना बात बोल के वो मोहन के लिए अच्छा सा नाश्ता बनाने लगती। इधर दूसरे तरफ मोहन अपने घर का कुछ रूम देखने के लिए चला जाता है। मोहन अपने नए घर का इतना साफ सफाई देख के कहता है, अरे वाह, मेरे ना रहते हुए भी मेरी पत्नी ने इस घर को कितनी साफ सफाई से रखा है, इसे देख कर तो मेरा दिल भी खुश हो गया। अब मुझे भूख भी बहुत जोरों से लग रही है, चलता हूँ सुशीला को जल्दी कहता हूँ कुछ बनाए। इतना बात बोल के वो जैसे ही पीछे घूमता है, उसके सामने बहुत ही डरावनी सी चुड़ैल आ जाती है। वो उस चुड़ैल को देख के बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और दौड़ते हुए सुशीला के पास जाता है और सुशीला से कहता है, अरे अरे सुशीला, ये तुमने कैसा घर ले लिया है, इसमें तो एक बहुत ही डरावनी सी और भयानक सी दिखने वाली चुड़ैल है। को अपनी आंखों से देखा है, वह जरूर किसी घर में रह रही है और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा, अगर मैं कहीं गया तो वह चुड़ैल मुझे मार डालेगी, इसलिए तुम यहाँ पे खाना बनाओ, यहाँ पे मैं तुम्हारे पास ही खड़ा रहूँगा। मनोज की यह हरकत देखकर सुशीला चुपचाप से उसके लिए नाश्ता बनाने लगती है और जैसे ही रात होता है वो दोनों खाना खा के सो जाते हैं। लेकिन मनोज को जरा सा भी नींद नहीं लग रही, ऐसा लग रहा होता है जैसे कि मानो खिड़की से किसी के चीखने की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। अरे ओ सुशीला, जल्दी उठो, देखो वह चुड़ैल बाहर से कितना ज्यादा चीख चिल्ला रही है। अब मुझे इस घर में एक मिनट भी नहीं रहना है, मैं कल सुबह होते ही यह घर खाली कर दूंगा और कहीं दूसरा घर देखूंगा। इतना बोल के मनोज अपनी पत्नी को उस वाले रूम में लाता है जहाँ से चीखने की आवाजें आ रही होती है और इधर दूसरी तरफ वो डरावनी सी चुड़ैल उन दोनों का इंतजार कर रही होती है। वो दोनों जैसे ही उस रूम में पहुँचते हैं, वो डरावनी सी चुड़ैल सुशीला को भी अपने बहन के रूप में चुड़ैल बना देती है। अभी मनोज को ये भी पता नहीं होता है कि सुशीला एक डरावनी सी चुड़ैल बन चुकी है। तभी मनोज उस चुड़ैल से कहता है, अरे अरे कौन हो तुम और तुम हम लोग को ऐसे क्यों डरा रही हो? अरे 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 सुशीला, यह तुमको क्या हो गया, तुम इतनी डरावनी चुड़ैल कैसे बन गए और तुम मेरा खून पीने की बात क्यों कर रही हो? मुझे लगता है इसे चुड़ैल ने तुम्हें अपने शक्तियों से कुछ कर दिया है। वो इतना बात बोल के कैसे भी करके अपना जान बचाने के लिए वहाँ से दुम दबा के भाग जाता है, लेकिन वो चुड़ैल उसका पीछा करने लगती है। फिर वो जंगल में जाके कहता है, अरे ओ परीरानी, अरे ओ परीरानी, कहाँ हो तुम? तुम ही अब मुझे इन दोनों चुड़ैलों से बचा सकती हो, जल्दी आओ नहीं तो यह मुझे मार डालेगी, यह मेरा खून पीने के लिए उतावली हो जा रही है। अभी वो इतना बोल ही रहा होता है तभी वो चुड़ैल उसके पास आ जाती है और कहती है, इतना बोलते ही मनोज की पत्नी सुशीला एक चुड़ैल के रूप में वहाँ पर आ जाती है। लेकिन बिना देरी किए जंगल की परी भी वहाँ पर आ जाती है और फिर मनोज उस परी से कहता है, अरे परी बहन, अच्छा हुआ तुम आ गई, मुझे लगा मैं आज मारा जाऊंगा, यह चुड़ैल मेरी पत्नी को भी एक चुड़ैल बना दी है और यह दोनों मिलके मेरा खून करना चाहती है। Woo-hoo!
परी रानी, तुम कैसे भी करके इसे मार दो। और परी रानी उस चुड़ैल के शरीर में आग लगा देती है, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है और उसकी बड़ी बहन वहाँ से भाग जाती है। देखो मनोज, अब तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है, मैंने उनको सबक सिखा दिया है। ठीक है परी बहन, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अब मुझे इस घर में अकेले अकेले बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैं आज ही ज्ञानी बाबा के पास जाऊंगा और अपनी पत्नी सुशीला को जिंदा करने के लिए कहूंगा। इतना बात बोल के मनोज ज्ञानी बाबा के पास पहुंच जाता है, लेकिन ज्ञानी बाबा को ये सारा बात पता होता है, फिर ये बताता है और कहता है, ज्ञानी बाबा मेरे घर में एक बहुत ही भयानक चुड़ैल आई थी और उसने मेरी पत्नी को भी चुड़ैल बना दिया। अब मेरी पत्नी मुझे छोड़ के चली गई है, मैं चाहता हूँ आप मेरी पत्नी को वापस ला दें। अलाभ निरंजन, अलाभ निरंजन, मुझे सब पता है, आओ चलो मेरे साथ। इतना बात बोल के ज्ञानी बाबा मनोज को उसी जंगल में लाते हैं। देखो बेटा, तुम्हारी पत्नी चुड़ैल बन चुकी थी और उसकी मृत्यु यहीं पे हुई है, परंतु तुम थोड़ा भी घबराओ नहीं, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा तुम्हारी पत्नी को वापस जिंदा करने की। ओम ह्रीम क्रीम चामुंडाय नमः स्वाहा। ज्ञानी बाबा का इतना मंत्र सुनते ही वो दोनों चुड़ैले वहाँ पर आ जाते हैं और सुशीला की बड़ी बहन कहती है, इतना बात सुन के वो ज्ञानी बाबा सुशीला के बहन के शरीर में आग लगा देते हैं, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। ओम ह्रीम क्रीम चामुंडाय नमः स्वाहा, ये चुड़ैल वापस सुशीला बन जाए। वाह वाह। इतना मंत्र सुनते ही वो डरावनी सी चुड़ैल सुशीला का शरीर छोड़ देती है और फिर सुशीला पहले की जैसे एक सुंदर सी औरत हो जाती है। अरे सुशीला, तुम घबराओ नहीं, जो भी हुआ है चलो मैं तुम्हें घर पे चलके सारी बातें बताता हूँ।